नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीपल्स वॉइस में। तो आइए शुरू करते हैं, नो झंझट नो बकवास, सीधे फैक्ट्स की बात। धरती की सबसे अंदरूनी परत जिसे इनर कोर कहते हैं, वह एक तरफ बढ़ रही है, जिससे वैज्ञानिक काफ़ी हैरान परेशान हैं, क्योंकि इससे धरती पर क्या बदलाव होंगे इसका सही अंदाज़ा लगाना फिलहाल मुश्किल है। हमारे पैरों से करीब 5000 किलोमीटर नीचे धरती का इनर कोर है। इसे साल 1936 में खोजा गया था। इसका अध्ययन करने के लिए भूकंप विज्ञानी, खनिज भौतिकविद और जियोडायनेमिसिस्ट लगे हुए हैं। माना जाता है कि धरती का इनर कोर लोहे का बना है। तीनों तरह के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नई स्टडी की है। इसमें बताया गया है कि धरती का इनर कोर बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये एक तरफ फैल रहा है। वैज्ञानिकों को लगता है कि इससे वो इनर कोर की उम्र का पता लगा सकते हैं, साथ ही धरती की चुंबकीय शक्ति का इतिहास भी पता लगेगा। धरती का इतिहास करीब 450 करोड़ साल पुराना है। उसका केंद्र यानी कोर करीब शुरुआती 20 करोड़ साल में बनना शुरू हुआ था। युवा धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने बाहरी लोहे को धरती के केंद्र में खींच लिया था। इसके बाद पथरीले और सिलिकेट खनिजों को ऊपर छोड़ दिया ताकि मेंटल और क्रस्ट का निर्माण हो सके। धरती के निर्माण के समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी पैदा हुई, जो धरती के अंदर समाहित होती चली गई, लेकिन साथ ही चल रहे रेडियो एक्टिव निष्क्रियता की प्रक्रिया ने इस धरती की गर्मी को कम करने का काम भी किया। धीरे धीरे हमारी धरती ने यह रूप लेना शुरू किया जैसा कि आज है। गर्मी कम होने की वजह से धरती के केंद्र से तरल लोहे का आउटर कोर बना। इसी वजह से धरती का चुंबकीय क्षेत्र बना और काम करता है। जैसे जैसे धरती ठंडी होती चली गई, टेक्टोनिक प्लेट्स को ताकत मिली। उनके जुड़ने और टूटने पर कई महाद्वीपों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे धरती ठंडी होती चली गई, तापमान इतना कम होता चला गया कि लोहा अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आकर टिक गया। उच्च स्तर का दबाव बर्दाश्त करने लगा। इसके साथ ही इनर कोर का क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो गया। इस समय धरती के इनर कोर का रेडियस हर साल 1 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है, यानी हर सेकंड में 8000 टन पिघला हुआ लोहा ठोस बन रहा है। भविष्य में करोड़ों साल बाद धरती का इनर कोर ठोस लोहे में बदल जाएगा। इसके साथ ही खत्म हो जाएगी धरती की चुंबकीय शक्ति। वैज्ञानिकों के आंकड़ों के मुताबिक पता चला है कि इंडोनेशिया के बांडा सागर के ठीक नीचे पूर्वी इनर कोर तेजी से बढ़ रही है। यह ब्राजील के ठीक नीचे मौजूद पश्चिमी इनर कोर की तुलना में ज़्यादा फैल रही है। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो ऐसे समझिए कि आपके फ्रीजर के एक तरफ ज़्यादा बर्फ जम जाए और दूसरी तरफ कम, यानी फ्रीजर एक तरफ ज़्यादा ठंडी हो और दूसरी तरफ कम। ठीक इसी तरह धरती का इनर कोर भी एक तरफ ज़्यादा तेज़ी से ठंडी हो रही है और दूसरी तरफ कम। भविष्य में यानी करोड़ों सालों के बाद धरती के एक हिस्से से चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। यह धरती के आधे हिस्से में प्रलय ला सकती है। धरती का इनर कोर का एक हिस्सा यानी पूर्वी हिस्सा अगर जल्दी से बढ़कर ठोस हो गया तो उसके ऊपर की चुंबकीय शक्ति खत्म। इसका मतलब इंडोनेशिया समेत कई एशियाई देशों के ऊपर से गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म, GPS प्रणाली ठप, इंसान और जीव जंतु हवा में तैरते नजर आएंगे। धरती का एक समुद्र दूसरी तरफ भागने लगेगा। एशिया में बारिश नहीं होगी। इस तरह की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, लेकिन घबराइए नहीं, यह प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं होगी, इसमें करोड़ों साल लगेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। धन्यवाद।